आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। संदेश खाली में हुए मामले को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार पर निशाना साध रही है और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को घेर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा और उन्होंने लोगों से क्या अपील की। आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। नारी बंधन का इतना बड़ा भव्य समारोह, नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में, मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिस जिसके पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी बंधन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है।